69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद सीएम योगी आज शिक्षा विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग के मंत्री अधिकारियों के साथ सीएम की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो हाईकोर्ट के आदेश के चलते आज एक बैठक होनी है और ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। कोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। अब नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी की जाए और नई भर्ती लिस्ट के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला भी आपको समझा रखे हैं। दरअसल ओबीसी एससी कैटेगरी का आरोप था आरक्षण को लेकर कि सही तरीके से आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया गया, जिसके चलते अब कोर्ट का रुख किया गया और कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी की जाए। तो सामान्य कोटे के टीचर्स पर इसका सीधा असर पड़ा है। आरक्षण नियमों के तहत अब लिस्ट जारी की जाएगी। सीएम योगी ने अखिलेश और शिवपाल यादव पर बड़ा वार किया है। अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पहले नौकरी के नाम पर वसूली होती थी, चाचा भतीजा वसूली करते थे, लेकिन अब कोई वसूली नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अब पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने कहा कि अब यूपी में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है। सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं अपने युवाओं को कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे।